हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एस आर ऑनलाइन स्टडी। आज हम त्रिकोणमिति की बात कर रहे हैं। त्रिकोणमिति का एक वीडियो मैंने पहले आपको डाल दिया है, उसमें बता रखा है आपको जो भी बेसिक था। हमने सारणी की बात कर ली, फॉर्मूले की बात कर ली, और आपको ये भी बता दिया कि कोई त्रिभुज है, मान लो ये हमने त्रिभुज बना लिया, इसका ये कोण मान लो 90 डिग्री है, ये हमने नाम दे दिया इसको ए बी सी। अब हम कोई भी थीटा में मान लेते हैं, चाहे हमने जैसे मान लो साइन में लिया साइन ए या कॉस ए, कोई भी हम मान लेंगे, तो जो ए वाला होगा वो आधार होगा, ठीक है ना, यानी ये नीचे आधार होगा और ये फिर सीधा ये क्या हो जाएगा, लंब। जैसे हम दूसरी कोई बात करें, हमने ये त्रिभुज बना लिया, हमने ऊपर से दे दिया ए बी और सी, ठीक है, ये तो 90 डिग्री हो गया। अब हम साइन ए की बात करते हैं, मान लो तो साइन ए बराबर, तो ए वाला आधार मानना पड़ेगा। अब ये जो आपको लंब दिख रहा है ये क्या होगा, आधार, यानी यहाँ जो थीटा का मान होगा वो वाला आपको क्या लेना है, आधार, और दूसरा ये क्या हो जाएगा, लंब, ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखनी है। अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर से, ध्यान से पढ़ना है आपको, थोड़ी बड़ी क्लास होगी, बैठना है आपको मैथ को लेके, ठीक है, ध्यान दीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। चौथा क्वेश्चन है आज, इस पे पढ़ा के देखते हैं। 15 cot A = 8, ये दे रखा है आपको, ज्ञात करना है साइन ए व सेक ए का मान। अब देखो, एक हम त्रिभुज बना लेते हैं, ये आपका त्रिभुज हो गया, इसमें हमने मान नाम दे दिया इसके ए बी सी। अब ये कह रहा है 15 cot A, तो हम 15 को इस साइड में लाएंगे तो भाग में आएगी, यहाँ क्या रह जाएगा, cot A, तो cot A बराबर 8/15। मैंने बोला ए वाला क्या होगा, आधार। अब cot थीटा मैंने पहले बता रखा है, लाल बटे कक्का से हम निकालते हैं, ठीक है, लाल बटे कक्का, तो क्या होगा, आधार बटे कर्ण, क्योंकि पहला साइन, दूसरा cos, तीसरा tan और फिर नीचे से cot, तो आधार बटे लंब होगा, तो आधार बटे लंब। आधार बताओ, ए वाला आधार है ये, तो आधार कितना हो गया 8 और लंब कितना हो गया 15, ठीक है। अब ये हमने 8 और 15 हो गया, अब हमें क्या, कौन सा मान नहीं दे रखा, कर्ण का, तो कर्ण और निकाल लेते हैं, तो के बराबर अंडर रूट लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो बोलो लंब कितना है, 15 प्लस आधार कितना है, 8, 15 का वर्ग कितना होता है, 225 प्लस 8 का वर्ग कितना हो गया, 64, और 225 और 64 कितना हो जाएगा रूट में, 289, और ये कितने का वर्ग होता है, 17 का, तो कर्ण आपका कितना आ गया, 17। अब आपको मान ज्ञात करने हैं साइन ए सेक ए, तो साइन ए का मान देखोगे आप, साइन ए का मान अगर हम देखें तो कितना हो जाएगा, साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण। तो बताओ साइन ए, ए वाला आधार होगा, तो लंब कौन सा है, 15, ठीक है, बटे कर्ण आपने अभी निकाला है कितना, 17, तो कितना आ गया, 15/17। ऐसे ही हम दूसरी, अब दूसरा कौन सा ज्ञात करना है आपको, साइन के बाद ज्ञात करना है कौन सा, सेक ए, तो सेक ए हम ज्ञात करेंगे, तो सेक ए बराबर ये हो गया cot, सेक का क्या होगा, कर्ण बटे आधार। अब बताओ कर्ण कितना निकाला अभी आपने, 17, और बटे आधार कितना है, 8, तो 17/8, देखो ऐसा सही दिख रहा है इस पर। तो समझ में आ गया, दोबारा से समझ लो एक बार, क्वेश्चन में दे रखा है 15 cot A = 8, तो 15 पक्षांतरण करेंगे, भाग में पहुंच जाएगा, तो cot A बराबर हो जाएगा 8/15, उसके बाद cot थीटा बराबर क्या सूत्र होता है, आधार बटे कर्ण, आधार कितना हो जाएगा इस पर,
आठ, कर्ण कितना, नहीं आधार बटे लंब होता है, आधार कितना हो गया आठ, लंब हो गया 15, 8/15 हो गया ये। हम कर्ण निकाल लेंगे, कर्ण कैसे निकालेंगे, रूट में लंब का और आधार का कर देते हैं वर्ग, ठीक है। 15 का वर्ग 8 का वर्ग, 15 का 225, 8 का वर्ग कितना होता है 64, जोड़ेंगे 289, 17 आ गया कर्ण। अब इसके बाद आपको ज्ञात क्या करवा रहा है क्वेश्चन में, साइन ए साइन थीटा बराबर क्या होता है लंब, साइन थीटा बराबर क्या होता है लंब बटे कर्ण, तो लंब कितना हो गया 15 और कर्ण हमने कितना निकाला 17, तो 15/17। ऐसे ही हम करेंगे सह के बराबर कर्ण बटे आधार, कर्ण कितना है 17 और आधार कितना है 8, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, यदि सह के, अब तो साफ दिख रहा होगा इसमें देखा है sec थीटा बराबर 13/12, तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को प्रकलित कीजिए, अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात, अब अन्य में बताओ कौन कौन से, सभी आ जाएंगे, sin थीटा, cos थीटा, tan थीटा, cot, sec, cosec। अब sec बस इसमें से दे रखा है, बाकी आपको निकालने हैं, तो देखो बहुत सरल है। पहले हम त्रिभुज बना के इसके मान निकाल लेते हैं तीनों के, ये हो गया हमारा त्रिभुज, त्रिभुज में हमने मान लिया ए बी सी। अब यहाँ तो सीधा यही आधार मान लेंगे क्योंकि इसने sec थीटा दे रखा है, अगर यहाँ भी ए दे रखा होता या सी दे रखा होता तो सी के हिसाब से ये आधार हो जाता है, ए दे रखा होता तो ये आधार हो जाता। चलिए अब sec थीटा बराबर 13/12, अब sec थीटा बराबर सूत्र क्या होता है कर्ण बटे आधार, तो कर्ण आपका कितना दे रखा है 13 और बटे आधार कितना है 12, ठीक है। वो लाल बटे कक्का लिख लेना जिससे आपको याद रहे, लाल बटे कक्का, साइन कॉस टेन कॉट सेक, तो नीचे से ऊपर सेक, कर्ण बटे आधार, ठीक है। लंब नहीं है तो लंब हम निकाल लेंगे, लंब निकालते हैं तो कर्ण, कर्ण सबसे बड़ी भुजा होती है, तो कर्ण की में से अगर आधार और लंब निकालें तो कर्ण में से घटाते हैं और कर्ण ज्ञात करते हैं तो वो सबसे बड़ी है, तो दोनों को जोड़ेंगे, तो कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर, बताओ कर्ण कितना है 13, माइनस 13 का वर्ग माइनस आधार 12 का वर्ग, 13 का वर्ग कितना होता है 169 माइनस 144, ठीक है। अब 169 माइनस 144 हल करेंगे, घटाएंगे तो कितना बचा 25, कितने का वर्ग हो गया 5 का, तो यहाँ कितना आ गया लंब 5, ठीक है। अब इसके बाद हमारे पास तीनों भुजा होगी, साइन पर से स्टार्ट करते हैं, साइन थीटा बराबर बताओ क्या होता है लंब बटे कर्ण, लंब कितना है अभी निकाल लिया हमने 5 और बटे कर्ण कितना है 13, हो गया 5/13। इसके बाद दूसरा कौन सा है कॉस थीटा, कॉस थीटा बराबर क्या होता है आधार बटे कर्ण, बताओ आधार कितना है 12 और बटे कर्ण कितना है 13। तीसरा ज्ञात करेंगे हम क्या टेन थीटा, तो टेन थीटा बराबर क्या होगा लंब बटे आधार एल अपॉन ए, बोलो लंब कितना है 5/ आधार कितना है 12, समझ आ रहा होगा। उसके बाद कौन सा थीटा निकालेंगे कॉट थीटा, कॉट में नीचे से ऊपर चलते हैं, बोलो आधार बटे लंब, आधार कितना है 12, लंब कितना है 5, तो 12/5। उसके बाद कौन सा बचा सेक, तो अपने पास दे रखा था पहले से क्वेश्चन में, उसके बाद बचा कोसेक, तो कोसेक थीटा बराबर क्या होता है कर्ण बटे लंब, तो के अपॉन एल, ठीक है। तो कर्ण कितना होता है, कर्ण दे रखा है आपका 13 और बटे लंब दे रखा है 5, समझ में आ गया होगा, बहुत आसान क्वेश्चन है, साफ दिख रहा होगा। अगर आपको ये सही नहीं दिखे तो मेरे को कमेंट करना। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6, यदि ए और कोण ए और कोण बी दोनों कैसे हैं न्यून कोण हैं, ए और बी न्यून कोण हैं, जहां कॉस ए बराबर कॉस बी, कॉस ए बराबर कॉस बी, तो दिखाइए कोण ए बराबर कोण बी, कोण ए बराबर कोण बी, ये बताना है आपको, ये सिद्ध करना है
कि कोण ए बराबर क्या होता है कोण बी। तो कोण ए बराबर कोण बी आपको सिद्ध करना है, ठीक है। चलिए देखते हैं, हमने कोई त्रिभुज ले लिया मान लो ये। अब देखिए हम बीच में अब तक क्या ले रहे थे, या ए मान लेते, ये बी, ये सी। अब आपको कोण बी है वो यहाँ नहीं लेना है, क्योंकि समकोण त्रिभुज है, इसमें कह रहा है ए और बी न्यून कोण है, तो समकोण नहीं है ये न्यून कोण है, तो यहाँ आपको सी लेना पड़ेगा। ए और बी हमें यहाँ न्यून कोण लिख दिए, ठीक है, या हम इधर से लिख सकते हैं, कहीं से भी लिख दो। अब ए और बी न्यून कोण हो गए, लेकिन यहाँ क्या लिया हमने, सी। अब हम देखो क्वेश्चन में क्या दे रखा है, कॉस ए बराबर कॉस बी, कॉस ए बराबर कॉस बी, इसी में हम मान रखेंगे। कॉस थीटा बराबर क्या होता है, लाल बटे कक्का से देखो, कॉस थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण। आधार बोलो क्या है, एसी। आधार क्या है, एसी, क्योंकि ए वाला ही तो आधार लेना है आपको। आधार बटे कर्ण क्या है, ए बी, ए सी बटे ए बी। कॉस बी, कॉस बी में बी वाला आधार होगा, ये ध्यान रखना, कॉस बी में बी वाला क्या होगा, आधार, तो आधार क्या हो जाएगा, बी सी बटे कर्ण ए बी, यही रहेगा ना। अब ए बी बराबर में तो हट जाएगा, क्या बचा, ए सी बराबर बी सी। ए सी बराबर क्या बचा, बी सी। अब ए सी और बी सी, ए सी और बी सी दोनों भुजा कैसी हैं, बराबर, तो यानी कौन सा त्रिभुज होगा, दो भुजाएं समान होती हैं, समद्विबाहु, तो त्रिभुज ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है। कैसा त्रिभुज है, समद्विबाहु, और समद्विबाहु त्रिभुज है जिसकी दो भुजा समान है, तो उसके सम्मुख कोण भी कैसे होंगे, समान, तो कोण ए बराबर कोण बी, ठीक है, ध्यान रखना। आसान क्वेश्चन है, कोई कठिन नहीं है एकदम, दोबारा समझ लो, दे रखा है ए और बी कैसे है न्यून कोण, तो हम समकोण पर सी लेंगे, ठीक है। ए और बी हमने दोनों न्यून कोण पर लिख दिए। दे रखा है कॉस ए बराबर कॉस बी, कॉस ए बराबर कॉस बी में मान रखेंगे, कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण, तो आधार कितना है, ए वाला आधार होगा, तो आधार ये हो गया ए सी बटे कर्ण क्या है, ए बी, तो ए सी बटे ए बी बराबर कॉस बी, तो बी वाला अब आधार मानना पड़ेगा आपको, तो आधार हो गया बी सी बटे कर्ण हो गया ए बी, ए बी से ए बी कट जाएगा, क्या बचा, ए सी बराबर बी सी। ए सी और बी सी, ए सी ये बी सी ये दोनों भुजा कैसी हैं, समान है, तो समद्विबाहु त्रिभुज, और समद्विबाहु त्रिभुज की दो भुजा समान होती है, तो उसके दोनों कोण भी कैसे होंगे, समान, तो कोण ए बराबर कोण भी सिद्ध करना है, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन, बोर्ड कुछ ज़्यादा चमक रहा है। थोड़ी सी इसकी ब्राइटनेस कम करनी पड़ेगी। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। सात में दे रखा है कॉट थीटा बराबर दे रखा है 7/8। अब ज्ञात करना है इसके बाद, पहले वैसे आप मान निकालें तो निकाल सकते हैं इसमें, ये लास्ट क्वेश्चन और इस पर कर रहे हैं, उसके बाद उस पर करेंगे। देखो ये हो गया त्रिभुज, हमने मान लिया ए बी सी, कॉट थीटा दे रखा है, कॉट थीटा क्या होता है, आधार बटे लंब, आधार कितना हो गया, आधार बटे लंब, आधार कितना हो गया 7, लंब कितना हो गया 8, कर्ण निकाल लेंगे। कर्ण कैसे ज्ञात करते हैं बताओ, एल स्क्वायर प्लस ए ओ स्क्वायर, बताओ रूट में एल कितना है, 8 का वर्ग, ए कितना है आधार, 7 का वर्ग, 8 का वर्ग कितना होता है 64, 7 का वर्ग कितना होता है 49, जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 113, 9 4 13 और 6 4 10 11, रूट में ये मान हो गया 113, ठीक है, मान लिया। देखिए अब तीनों मान ध्यान रखना आप,
आधार कितना है, 7, लंब 8 और ये रूट में 113 है। पहला क्वेश्चन ज्ञात करना है आपको, 1 प्लस साइन थीटा। कोष्टक बंद, 1 माइनस साइन थीटा बटे 1 प्लस कोस थीटा और 1 माइनस कोस थीटा। इसको आपको हल करना है। देखो ध्यान से, चाहे तो इसको यहीं से कर लो, a प्लस बी ए माइनस बी, क्या सूत्र होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, चाहे मान रख के कर लो। तो हल करते हैं इसको, ए स्क्वायर तो 1 का वर्ग 1 माइनस बी स्क्वायर, बी का मतलब साइन थीटा, तो साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, बटे ऐसे ये ए प्लस बी ए माइनस बी, तो बताओ ए स्क्वायर तो 1 का वर्ग 1 माइनस बी स्क्वायर तो कॉस स्क्वायर थीटा। अब रख लेते हैं इनके मान, तो देखो 1 प्लस साइन थीटा, साइन थीटा का मान बताओ क्या होगा, ये हमने तीनों मान निकाल लिए, साइन थीटा होता है लंब बटे कर्ण, तो लंब बताओ कितना है 8 और बटे कर्ण कितना है रूट में 113, ठीक है, का क्या करना है वर्ग। ऐसे नीचे हम करेंगे 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, तो 1 प्लस, अब बताओ कॉस थीटा का होता है आधार बटे कर्ण, तो आधार कितना है 7 बटे 113 रूट में इसका वर्ग। इसको हल करेंगे हम आगे, तो बताओ 1 प्लस 8 का वर्ग कितना होता है 64 बटे रूट 113 का हो जाएगा 113, ठीक है, रूट 8 जाती है। फिर 1 प्लस 7 का हो गया कितना 49 बटे रूट 113 का हो जाएगा 113, इसमें से भी रूट 8 जाएगी। अब इसको हल करेंगे, तो देखो 113 113 और 113 में से कितने जोड़ेंगे 64, 113 और 64 जोड़ते हैं, बताओ कितना हो जाएगा, 113 में 64 जोड़ो, जोड़ने नहीं है, ये क्या था सूत्र हमारा है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, सॉरी गलती ये हो गई कि ये माइनस है, तो यहाँ आप कौन सा निशान लगाओगे, माइनस आएगा ना, यहाँ भी माइनस आएगा, ठीक है, ये भी माइनस होगा तो घटाने हैं, ये भी माइनस होगा, तो 113 में से कितना घटाएंगे 64, अब कितने बचेंगे बताओ, 113 में से 64 गया तो 49 बचेंगे, और बटे कितना 113 बटे 113 में से 49 घटाएंगे तो 64 बचेंगे बटे 113, ये चौथी संख्या दूसरी से कट जाएगी, तो बताओ कितना बचा 49 बटे 64, कितना बचेगा 49 बटे 64, यही आपका उत्तर हो जाएगा। चलिए अब कॉपी पे करते हैं, दोबारा समझ लो, एक बार दे रखा है ये कोट थीटा बराबर 7 बटे 8 दिया है, कोट थीटा होता है आधार बटे लंब, हमने आधार मान लिया 7, लंब हो गया 8, कर्ण निकाल लिया, कर्ण निकालते हैं तो दोनों छोटी हो जाती हैं, आधार और लंब दोनों का वर्ग जोड़ देते हैं करके 8 का वर्ग 64, 7 का 49, जोड़ेंगे 113 हो जाएगा। क्वेश्चन दिया 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा, 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा, 1 प्लस साइन थीटा बराबर ये हो गया ए प्लस बी ए माइनस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 1 का वर्ग करते हैं 1 साइन स्क्वायर थीटा, ऐसे ए प्लस बी ए माइनस बी, तो ए स्क्वायर 1 का वर्ग 1 और बी स्क्वायर यानी कॉस स्क्वायर थीटा, 1 लिखेंगे माइनस लगाएंगे, साइन थीटा क्या होता है लंब बटे कर्ण, तो लंब कितना है 8 बटे कर्ण कितना है रूट में 113 का वर्ग कर दिया, ठीक है, वर्ग लगाया तो बटे ऐसे ही 1 माइनस कॉस थीटा होता है आधार बटे कर्ण, आधार कितना है 7 रूट 113 का वर्ग। हल करेंगे 8 का वर्ग 64 रूट 113 से रूट है 113 लिखेंगे, ऐसे 7 का वर्ग 49 113 लिखेंगे। फिर उसके बाद देखो 113 एक से गुणा करेंगे 113 माइनस 64 घटाएंगे 49 बटे 113, फिर उसके बाद ऐसे 113 49 घटाएंगे तो 64 बटे 113, 113 से 113 कट जाएगा 49 बटे 64। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं और इसको हटा देते हैं अभी, इसी में एक दूसरा क्वेश्चन और दे रखा था, कॉट स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा, तो कॉट स्क्वायर थीटा बताओ लाल बटे कक्का से क्या होता है आधार बटे लंब, क्या होता है आधार बटे लंब, बोलो आधार कितना था क्वेश्चन में, आधार अभी कितना बताया था 7 और बटे लंब कितना था
आठ, और वर्ग लगाए इस पे तो वर्ग कर देंगे, 7 का वर्ग 49 बटे 8 का 64, इसका भी वही आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 8 की बात करते हैं। 8 में दे रखा है थ्री कोटे बराबर दे रखा है 4। तो जांच कीजिए, ज्ञात क्या करना है आपको, 1 - tan² - 1 + tan² = cos² - sin² यह आपको ज्ञात करना है। तो देखो पहले इसमें से मान निकाल लेते हैं, कॉट ए बराबर 4 तो है पहले से, 3 कहाँ जाएगी भाग में, कॉट थीटा बराबर बताओ क्या होता है, आधार बटे लंब, लेकिन इसमें ध्यान रखना है ए लिखा है तो ए वाला आधार होगा। अब हम बना लेते हैं त्रिभुज, ये हो गया त्रिभुज ए, यहाँ कोण बी हो गया 90 डिग्री और ये हो गया सी। अब बताओ आधार कौन सा होगा, ए वाला आधार यानी नीचे ए वाला आधार होगा, तो आधार कितना है 4 और लंब कितना है 3। कर्ण हमें ज्ञात करना है, तो पहले कर्ण ज्ञात करते हैं उसके बाद क्वेश्चन को करेंगे आगे हल। वैसे इसमें लंब बटे आधार यानी इसमें कर्ण की जरूरत है नहीं, लेकिन इधर पड़ेगी कॉस में और साइन में। तो बताओ आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग, आधार कितना है 4 का वर्ग प्लस लंब कितना है 3 का वर्ग, 4 का होता है 16 और 3 का होता है 9, रूट में 16 9 कितना हो गया बताओ 25, 25 का वर्गमूल करेंगे 5 सेमी, तो यहाँ कितना लिख देंगे 5 सेमी। अब इसके बाद तीनों मान आ गए आपके पास, बस इसको सामने रखते हैं। अभी 1 + tan² - 1 - नहीं है ये माइनस है, 1 - tan² और ये नीचे 1 + tan² = cos² - sin², इसको सिद्ध करना है आपको कि ये बराबर है या नहीं है। तो देखते हैं, चलो 1 - tan θ = लंब बटे आधार, तो बताओ लंब कितना होगा 3 बटे आधार कितना होगा 4 और वर्ग लगाए तो वर्ग बटे, ऐसे इसको हल करेंगे 1 + tan वही 3/4 का वर्ग, ठीक है, यहाँ माइनस था यहाँ प्लस हो गया बराबर, ऐसे इसको भी रख लेंगे हम बराबर में। कॉस थीटा बराबर क्या होता है बोलो, कॉस थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण, तो आधार कितना 4 बटे कर्ण कितना 5 का वर्ग, तो वर्ग। -sin θ बताओ कितना होता है, लंब बटे कर्ण, लंब कितना है 3 और बटे कर्ण कितना है 5, इसको हल कर लेते हैं। 1 - 3 का वर्ग 9, 4 का 16 बटे ऐसे ही 1 + 3 का 9 16 बराबर 4 का वर्ग 16, 5 का 25, -3 का 9, 5 का 25, हल करेंगे 16 एकम 16, 16 में से 9 गए तो 7, 16 में से 9 गया तो 7/16 बटे 16 का 16, 16 9 25/16 बराबर लघुत्तम कितना आ गया 25, 16 में से 9 घटाएंगे 7, इसको भी 16 से 16 कट जाएगी, दूसरी चौथी संख्या कट जाती है, बताओ कितना बटा 7/25, और ये बराबर में 7/25, बताओ बराबर है कि नहीं है, तो लिख देंगे है। चलिए समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। समझ में नहीं आए कमेंट कर देना, दूसरे वीडियो में आपको क्वेश्चन का आंसर बता दिया जाएगा, दोबारा से समझा दिया जाएगा, ठीक है, ध्यान से समझना है, एक बार नहीं आए वीडियो को दोबारा देखना, समझ में आएगा एकदम अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं है, नॉर्मल क्वेश्चन है। इसके बाद 9वें क्वेश्चन की बात करते हैं। 9वां क्वेश्चन कह रहा है त्रिभुज ABC में बी कोण समकोण है, तो बताओ पहले क्या बनाना है हमें त्रिभुज, तो त्रिभुज ABC बी समकोण हो गया। फिर कह रहा है यदि टेन ए बराबर 1/√3, तो निम्न के मान ज्ञात कीजिए, ये दे रखा है 1/√3, पहले मान निकाल लेते हैं, ये वाला आधार होगा, tan θ क्या होता है बताओ फटाफट बोलो, लंब बटे आधार, तो बोलो लंब कितना हो गया 1, आधार हो गया √3, हमें क्या ज्ञात कर लें पहले कर्ण, आप तो कर्ण ज्ञात कर लो पहले, बार बार दिक्कत नहीं आए, तो बोलो आधार कितना है √3 का वर्ग प्लस लंब 1 का वर्ग, √3 का वर्ग कितना होता है 3, 1 का वर्ग 1 बराबर √ में
चार कितना आ गया, दो। अब वो लोग ज्ञात करवाएगा वही ज्ञात कर देंगे, क्योंकि हमारे पास तीनों मान है। जब तीनों मान लंब आधार कर्ण आ जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। साइन ए कॉस सी प्लस कॉस ए साइन सी, एक तो ये ज्ञात करना है। दूसरा क्वेश्चन है इसी में, कॉस ए कॉस सी माइनस साइन ए साइन सी। देखो ध्यान से करना है, पहला क्वेश्चन करते हैं। साइन ए क्या कह रहा है, साइन ए तो एक तो ये ए वाला ये ध्यान रखना है कि ये वाला आधार होगा। साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण, तो ये आधार है तो लंब कितना होगा एक, बटे कर्ण कितना होगा दो, ठीक है, इनटू। फिर कॉस सी, तो कॉस कॉस सी बराबर क्या होगा, तो कॉस थीटा, कॉस सी वाला पहले आधार होगा, तो ये तो क्या आधार हो, ये क्या कह रहा है आधार बटे कर्ण, कॉस सी बराबर आधार बटे कर्ण, तो ए वाला आधार होगा, तो ये एक बटे कर्ण कितना हो गया वही दो। प्लस यहाँ देखेंगे कॉस ए, कॉस ए पहले तो कॉस थीटा बराबर होता क्या है आधार बटे कर्ण, और आधार होता है तो कॉस ए, ए अब ए वाला आधार, तो आधार बोलो कितना रूट तीन बटे कर्ण दो, इंटू साइन सी, सी वाला अब आधार होगा और साइन थीटा वाला लंब बटे कर्ण, तो ये सी वाला तो आधार, तो लंब कितना होगा रूट तीन बटे कर्ण दो। हल कर लेते हैं इसको, एक का एक से गुणा एक, दो का चार, प्लस रूट तीन का तीन से गुणा करेंगे तीन, बटे दो का दो से चार, सेम तो लघुत्तम चार, तीन और एक कितने चार, चार से चार कटा कितना आ गया एक, ठीक है। इसके बाद दूसरे क्वेश्चन को करते हैं। अब ये कह रहा है कॉस ए, तो ए वाला आपको क्या ध्यान रखना है आधार, कॉस थीटा वाला आधार बटे कर्ण, तो ए वाला आधार कितना है रूट तीन। दूसरे क्वेश्चन में आधार कितना होगा रूट तीन और बटे कर्ण वही दो। फिर कह रहा है कॉस सी, अब सी वाला आधार हो गया, तो कॉस थीटा वाला आधार बटे कर्ण, तो आधार कितना लेना है अब एक, तो एक बटे दो, प्लस प्लस नहीं माइनस है तो माइनस साइन ए, अब ए वाला आधार तो नीचे वाला आधार लेंगे हम, साइन थीटा वाला क्या होता है लंब, तो लंब कितना है एक और बटे कर्ण दो, इंटू साइन सी, सी वाला आधार हो गया लंब बटे कर्ण लेना है तो रूट तीन बटे दो, ठीक है। आपको तो ध्यान रखना है कि जो थीटा दे रखा है वो आधार मान लेना है बस, ऊपर अगर सूत्र में लंब पूछ रहा है तो दूसरे वाले को लंब लिख देंगे। रूट तीन का एक से गुणा, तो रूट तीन बटे दो दूनी चार, माइनस रूट तीन बटे चार कट जाएगा, बताओ कितना आ जाएगा उत्तर जीरो, क्योंकि एक प्लस का है एक माइनस का है। चलिए दो क्वेश्चन और रह गए इस प्रश्नावली में, फिर ख़त्म हो जाएगी, पूरी हो जाएगी, फिनिश हो जाएगी। चलिए दसवें क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। देखो त्रिभुज पी क्यू आर में क्यू समकोण है, दे रखा है पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25 सेमी, पी क्यू दे रखा है 5 सेमी। ज्ञात करना है आपको साइन पी कॉस पी टेन पी, ये तीन मान ज्ञात करने हैं। तो आपके पास अगर त्रिभुज के लंब कर्ण आधार अगर तीनों मान होंगे तो आप ज्ञात कर लेंगे। अब त्रिभुज पी क्यू आर दे रखा है पी क्यू आर, क्योंकि क्यू इसमें क्या है समकोण। अब देखो पी क्यू तो साफ दे रखा है कितना 5 सेमी, तो पी क्यू तो हम सीधा लिख ही दें 5 सेमी। अब ये कह रहा है पी आर और क्यू आर कितना है 25, पी आर कहाँ है, पी आर यानी ये कर्ण और क्यू आर ये पूरा 25 है दोनों मिला के, दोनों मिला के कितना है 25। अब देखो मान हम ज्ञात कर लेते हैं, इसमें से हमको एक मान यानी ये पूरा मिला के 25 है, तो ये मान लो आप, तो मान लो ये 20 होगा तो ये कितना होगा 5, तभी तो 25 होगा, क्योंकि कर्ण हमेशा बड़ा होगा, ऐसा नहीं हो सकता कि ये 5 है तो ये 20 हो जाए, नहीं होगा, कर्ण हमेशा बड़ा होगा। तो हम बड़े में से ही तो छोटे को घटाएंगे, तो मान लो हमने ये बजा कोई x मान ली, तो ये कितनी हो जाएगी पूरी टोटल कितनी है 25, तो 25 में से x यानी ये 5 है तो ये 20, ये 10 है तो ये कितनी होगी 25 में से 10 घटा के 15, ठीक है। अब इसको हल कर लेते हैं, हम मान निकाल लेते हैं आप
एक्स का, ठीक है ना, फिर पता चल जाएगा कि कैसे करेंगे। तो बताओ कर्ण का वर्ग, तो पी आर का वर्ग बराबर लंब और आधार का स्क्वायर, तो पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर। पी आर बोलो हमने क्या माना, 25 माइनस एक्स का वर्ग बराबर पी क्यू यानी 5 का वर्ग और क्यू आर एक्स का स्क्वायर। हल करेंगे, इसको हल करेंगे ए माइनस बी के होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर तो 25 का वर्ग 625 प्लस बी स्क्वायर तो एक्स स्क्वायर माइनस 2ab, तो 2a ए का मान 25 होनी 50, दो से गुणा कर लेंगे और x कितना 50x बराबर, इसको हल करेंगे 5 का वर्ग 25 प्लस एक्स स्क्वायर। अब देखो ये एक्स स्क्वायर ये कट जाएगी, ठीक है ना, यहाँ बचा 50x को इधर ले जाएंगे तो प्लस का हो जाएगा 50x, और 25 को इधर लाएंगे तो ये माइनस का होगा, कितने बचेंगे 625 में से कटा के 600, एक्स बराबर निकालेंगे तो 600 बटे कितना हो जाएगा 50, जीरो कट जाएगी, 5 से काट लो 12 बार, एक्स का मान कितना आ गया बताओ 12, तो फिर ये बचा 12 कटा लो कितनी हो जाएगी बताओ 13, समझ में आ गया। तो ये हो गया लंब आधार और कर्ण। अब आपके पास तीनों बजाएँ, अब आराम से मान ज्ञात हो जाएगा, बताओ क्या ज्ञात करना है, तीन मान ज्ञात करने हैं, बोलो कौन कौन से, साइन पी, पहला मान कौन सा ज्ञात करना है, साइन पी, तो देखो साइन पी, तो साइन पी वाला, आप पी का मतलब समझ रहे हो, पी वाला क्या होगा आधार, और ये होगा लंब, साइन थीटा बराबर क्या होता है लंब बटे कर्ण, बोलो पी वाला आधार होगा, अब ये आधार है तो लंब कितना हो गया 12 और बटे कर्ण कितना है 13, हो गया। फिर उसके बाद दूसरा ज्ञात करना है कॉस पी, तो अब कॉस पी ज्ञात करेंगे तो वही पी वाला आधार मानना पड़ेगा, तो कॉस थीटा बराबर बताओ क्या होता है आधार बटे कर्ण, अब पी वाला आधार मानना पड़ेगा तो आधार कितना है 5 और बटे कर्ण कितना हो गया 13। तीसरा करना है आपको टेन पी, तो टेन थीटा बराबर क्या होता है लंब बटे आधार, अब बताओ पी वाला आधार है तो लंब कितना हुआ 12 बटे आधार 5, ठीक है ना, समझ में आ गया होगा। बस यही चीज़ ध्यान रखनी है, आपके हिसाब से क्या होता है साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, लंब कितना हो रहा है आपके हिसाब से 5, लेकिन नहीं होगा क्योंकि पी लिखा है तो पी वाला आधार, तो लंब कितना होगा क्यू आर, ये तो फिक्स रहता है कर्ण, इसको कहीं चेंज नहीं कर सकते हम, ठीक है। अब लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन इस प्रश्नावली का 11 क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, जिसमें आपसे पूछ रहा है निम्नलिखित कथन सत्य है या असत्य, कारण सहित पुष्टि कीजिए। तो देखो 11 क्वेश्चन में क्या है, पुष्टि करनी है कारण सहित, तो ये कह रहा है पहला क्वेश्चन 11 का कि टेन ए का मान सदैव 1 से कम होता है, सदैव 1 से कम होता है, तो टेन थीटा बराबर बताओ क्या होता है, टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार, तो टेन ए का मान 1 से कम कब हो सकता है, जब लंब आधार से कैसा हो छोटा, ठीक है ना, लंब कैसा हो आधार से छोटा, कैसे, मान लो लंब है 1 और आधार है 2, अब देखो ये 1/2 का मतलब जानते हो आधा यानी 0.50, तो 1 से 0.50 कैसा होता है छोटा, लेकिन अगर मान लो लंब हो गया 4 और आधार है 2, तो बताओ कितना हो गया 2 × 4, तो ये 1 से छोटा कहाँ हो रहा है, तो यानी ऐसा कब संभव है, जब लंब आधार से कैसा हो छोटा, तभी ऐसा संभव है, तो यानी ये पूछ रहा है कि सदैव 1 से कम होता है, तो बताओ सत्य है या असत्य, तो इसको लिखेंगे असत्य, उसमें क्या लिख देंगे कि टेन ए का मान 1 यानी लंब जो है लंब से आधार का मान कैसा होना चाहिए अधिक, तब यह होगा। दूसरा क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन क्या है, कोण ए के किसी मान के लिए sec a बराबर 12/5, तो देखो sec थीटा बराबर क्या होता है, sec थीटा बराबर कर्ण बटे आधार, तो ये कह रहा है ये सही है क्या, तो अब ये देख लीजिए आप कि कर्ण का मान हमेशा आधार से या लंब से कैसा होगा बड़ा, तो इसने कर्ण का मान किया है 12 और आधार का मान किया है 5, तो कैसा है सही है, ठीक है। अगर यहाँ पूछ ले आपको, जैसे ये पूछा है कि
टेन ए का मान सदैव एक से कम होता है, ऐसे यहाँ पूछ रहे सह के का मान तो सदैव एक से ज़्यादा होगा। क्यों? क्योंकि कर्ण वो जाए वो हमेशा नीचे वाले या तो आधार आ जाए या लंबा आ जाए, उससे हमेशा कैसी होगी? बड़ी। तो ये आधार है तो आधार से कैसी होगी? बड़ी, और बड़ी होगी तो एक से अधिक बार भाग जाएगा, ठीक है ना। तीसरे क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या कहता है कि कॉस ए कोण ए के कोसेकेंट के लिए प्रयुक्त संक्षिप्त रूप है। कॉस ए किसके लिए? कोसेक के लिए। तो देखो ये कह रहा है कॉस ए कोसेकेंट का संक्षिप्त रूप है। अब देखो कॉस ए काय का संक्षिप्त रूप होता है? कोसाइन का संक्षिप्त रूप होता है, ठीक है। ये तो कोसेकेंट ये काय का, ये तो कोसेक का है, कोसेक का है। देखो कोसेक ये लिखा है पूरा, इसमें पीछे से ये एंटी लगा हुआ है, तो ये असत्य है, क्योंकि ये कह रहा है कोसेकेंट इसका कॉस का संक्षिप्त रूप है, लेकिन कॉस का तो क्या होता है? कोसाइन। चलिए चौथे क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। कॉट और ए का गुणनफल है, कॉट और ए का गुणनफल है, लेकिन कॉट ए का अर्थ क्या है? कौन ए? अगर हम ए को हटा दें तो कॉट का क्या मतलब निकलता है? कुछ नहीं। तो यानी दोनों को अलग अलग करेंगे तो इसका कोई मतलब ही नहीं निकल रहा। तो यानी ये गुणनफल नहीं हो सकता है, ये इसका एक रूप है सीधा, कॉट ए कॉट बी जो भी है। तो ये कह रहा है गुणनफल है, तो इसको क्या लिख देंगे? असत्य, ठीक है। इसके बाद हम पांचवें क्वेश्चन की बात और कर लेते हैं। यदि किसी कोण के लिए साइन थीटा बराबर 4/3, तो साइन थीटा बराबर बताओ क्या होता है? लंब बटे कर्ण। तो बताओ कर्ण कभी छोटा हो सकता है? नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, तो असत्य। यानी कर्ण का मान हमेशा लंब और आधार से कैसा होता है? बड़ा। यही हमारी एक्सरसाइज 8.1 ख़त्म होती है। इसके बाद हम बात करते हैं 8.2 की। 8.2 में आपको डिग्री मान निकालने हैं। ये मैंने आपको साड़ी से बता दिया था, अगर आपने साड़ी को अच्छे से पढ़ा है तो इसमें कोई टाइम नहीं लगने वाला, बस मान रखो और हल करो। चलिए 8.2 की बात कर लेते हैं। 8.2 का पहला क्वेश्चन है साइन 60 डिग्री कॉस 30 डिग्री प्लस साइन 30 कॉस 60। देखो मान रखने हैं तो तुरंत हल हो जाएगा, मान रख के इसको करना है, मान याद होने चाहिए। अब मान याद होंगे तो हो जाएगा। साइन 60 का मान रूट 3/2 नहीं है याद, तो साड़ी को ओपन कर लो। इंटू कॉस 30, कॉस 30 का मान भी कितना होगा? जो साइन 60 का है वो कॉस 30 का होगा, तो रूट 3/2, क्योंकि कॉस 30 साइन 60 साइन 60 यानी उधर 90, तो इधर कॉस 1 उधर 60, इधर कॉस 30 इधर 45 60 90 60 30 और 1 90, यानी हम उल्टे मान उतारते हैं ना, इसलिए प्लस साइन 30 का मान 1/2, ऐसे ही कॉस 60 का मान भी 1/2 हल हो जाएगा। अब सीधा रूट 3 का रूट 3 से गुणा करेंगे, 3/2 का 4 हो जाएगा, प्लस 1 का 1 से गुणा करेंगे, 1 2 2 4, बोलो समान संख्या का लघुत्तम 4, ऊपर की संख्या जोड़ दो 3 1 4, आंसर बताओ कितना आ गया? 1। मान याद होंगे तो तुरंत हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन क्या है? 2 tan² 45 प्लस cos² 30 माइनस sin² 60। देखो कितना आसान, सीधे सीधे मान रखो उत्तर आ जाएगा। लिखेंगे 2 tan 45 का मान 1, वर्ग लगाया वर्ग लगा दिया, प्लस cos 30 का मान कितना होता है बताओ? sin 60 का कितना था? रूट 3/2, तो cos 30 का भी 3/2 वर्ग माइनस sin² 60, तो sin 60 का रूट 3/2 वर्ग। अब इसको हल कर लो। हल करना क्या है, ये तो प्लस माइनस गया, 1 का वर्ग 1 1 का 2 से गुणा करेंगे 2, हो गया हल। इसके बाद तीसरे क्वेश्चन की बात करते हैं। बहुत ही आसान आसान क्वेश्चन है, देखो तुरंत हो जाएंगे, बस मान आपको साड़ी बनाना आना चाहिए या मान याद होने चाहिए। कॉस 45 और साड़ी बनाना, इससे पहले की वीडियो में बता दिया, sec 30 प्लस
कोसेक 30 डिग्री, इसको हल करेंगे। चलिए हल करते हैं। कोस 45 का मान 1/√2, सेक 30, सेक 30 का मान कितना होता है 2/√3, प्लस कोसेक 30, तो सेक 60 का होगा वो, कोसेक 30 का होगा, और सेक 60 का मान बताओ कितना होता है 2, तो कोसेक 30 का भी कितना हो जाएगा 2। अब चलिए इसका लघुत्तम ले लेते हैं, √3 का 2 से गुणा करें, 2√3 और प्लस 2, तो इसको कैसे लिखेंगे, यानी 1/√2 तो ऊपर हो गया, इसको इससे 2√3 प्लस 2, यानी 2 प्लस 2√3 और बटे में √3। अब इसको लिखेंगे 1/√2 इंटू चौथी संख्या ऊपर और ये रह जाती है नीचे, यानी कितनी 2 प्लस 2√3, ये हो जाएगा। ठीक है, अब इसको गुणा करके लिखेंगे तो कितना लिखेंगे, देखो इसमें से हम 2 को कॉमन ले सकते हैं बाहर, तो देखो √3/, पहले से √2 था, मैं 2 और ले रहा हूँ, 2 तो बाहर ले रहा हूँ, √2 ये पहले से था, 2 ये बाहर ले लें तो यहाँ कितना बचा 1, प्लस 2 ये बाहर ले लिया कितना बचा √3। अब गुणा कर देंगे इसका, √3/, 2 तो बाहर ही रखेंगे, इस √2 वाली का गुणा करेंगे इसमें अंदर, तो √2 प्लस 3 × 2 = 6, √6। ठीक है, √2 प्लस √6। अब अगर इसका हम करते हैं क्या परमीकरण, तो परमीकरण भी कर सकते हैं इसका। चलिए हल करो, परमीकरण कर लेते हैं इसका, 2√6/√2। परमीकरण में क्या करते हैं, जो प्लस की संख्या इसके माइनस का गुणा करते हैं, अगर यहाँ माइनस होती है प्लस की से करते, तो √6 − √2 √6 − √2 इससे गुणा कर दिया ऊपर नीचे, जिससे काटा तो वही संख्या लौट के आ जाती है। ठीक है, अब इसको हल कर लो, इसको हल करेंगे तो देखो √3 का गुणा करेंगे इस कोष्टक से, तो √6 − √2 ये मैंने गुणा करके लिख दिया अभी ऐसे ही, इसको हल करेंगे तो 2 तो बाहर लिखा है, ये a प्लस बी, ये माइनस बी, तो ए स्क्वायर तो √6 का वर्ग तो गया 6, माइनस बी स्क्वायर तो 2। ठीक है, फिर हल करेंगे इसको, √3 कोष्टक में √6 − √2, अब इसको ऐसे लिखेंगे, ठीक है, बटे 6 में से ये कितना बचा 4 × 4 = 8, यहाँ तक हो गया, इनका गुणा कर लो एक बार, 6 × 3 = 18 √6 − −3 × 6 और बटे 8, इसको अगर आप लिखना चाहें तो कैसे लिख देंगे, 9 × 2, 18 का क्या होता है 9 × 2, एक बार लिख के बताता हूँ, √9 × 2 − √6/8, 9 का वर्गमूल कितना होता है 3, √2 का होगा नहीं, −6/8 हो गया। ठीक है, ऐसे करना है, समझ में आ गया होगा, नहीं आया तो एक बार दोबारा से देख लेना इसको, बस मान रख के आपको सॉल्व करना आना चाहिए, एक तो साड़ी के मान याद होने चाहिए, एक सॉल्व करना आना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, चौथे क्वेश्चन की, चौथा क्वेश्चन है, sin 30 + tan 45 − cosec 60 / sec 30 cos 60 cot 45। चलो देखो मान रखना आ गया तो सवाल हो गया बस। sin 30 का बताओ कितना 1/2, प्लस tan 45 का 1 माइनस, कोसेक 60 का होता है सेक 30 यानी 2/√3, बटे सेक 30 यही 2/√3 प्लस 1/2 कोस 60 का प्लस कोट 45 का 1, इसको हल कर लेते हैं, देखो 2 एक 2
दोहरे तीन, तीन बटे दो माइनस दो बटे रूट तीन बटे दो बटे रूट तीन, दो एकम दो और एक तीन बटे दो, ठीक है। इनके लघुत्तम ले लेते हैं, दो रूट तीन लघुत्तम आ गया, दो से दो कट गया रूट तीन, तो तीन रूट तीन माइनस तीन रूट तीन से रूट तीन कटा, दो बचा दो दूनी चार बटे ऐसी इसका लघुत्तम लेंगे, बोलो क्या आएगा, दो रूट तीन, रूट तीन से रूट तीन कटा दो दूनी चार प्लस दो से दो कटा रूट तीन, तो तीन रूट तीन, ये दूसरी चौथी तो कट जाएगी, क्या बचा सीधा सीधा तीन रूट तीन माइनस चार बटे तीन रूट तीन प्लस चार, ठीक है। अब इसको अगर चाहो तो आप परमीकरण कर लो। परमीकरण कैसे करते हैं, तीन रूट तीन माइनस चार बटे तीन रूट तीन प्लस चार, मैंने बताया नीचे प्लस है तो ऊपर नीचे माइनस की संख्या से गुणा होगा, तो तीन रूट तीन माइनस चार, तीन रूट तीन माइनस चार करेंगे गुणा, दोनों माइनस किए तो इसको तो एक ही कोष्टक में लिख देंगे सीधा, तीन रूट तीन माइनस चार और पूरे पे लगा देंगे वर्ग, क्योंकि कोष्टक पर वर्ग का मतलब हो गया कि ये संख्या दो बार, तो दो बार लिखी है बटे ये ए प्लस बी ए माइनस बी, तो ए स्क्वायर तो तीन रूट तीन का वर्ग माइनस बी स्क्वायर तो चार का वर्ग, हल कर लो। हल करेंगे तो देखो ध्यान से, ए स्क्वायर तो तीन का वर्ग नौ इंटू रूट तीन का वर्ग तीन माइनस बी स्क्वायर चार का वर्ग सोलह, नहीं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तो चार का वर्ग सोलह माइनस टू ए बी, माइनस टू ए का मान तीन रूट तीन इंटू बी का मान चार बटे ए स्क्वायर, तो इसका वर्ग करो तीन का वर्ग नौ और रूट तीन का वर्ग तीन माइनस चार का वर्ग सोलह, फिर हल कर लो इसको, नौ तीस सत्ताईस प्लस सोलह माइनस दो तीस छः, छः चौक चौबीस और रूट में तीन बटे नौ तीस सत्ताईस माइनस सोलह, फिर हल करो, सत्ताईस और सोलह कितना हो गया तैतालीस माइनस चौबीस रूट तीन और बटे ग्यारह, यही आपका उत्तर हो जाएगा। चलो ऐसे ही एक पांचवा सवाल और है, उसको और देख लो, इसका पांचवा पांचवा सवाल क्या है फाइव, अब आप भी कर सकते हैं, कॉस स्क्वायर साठ प्लस फोर सेक स्क्वायर तीस माइनस टेन स्क्वायर पैंतालीस बटे साइन स्क्वायर तीस प्लस कॉस स्क्वायर तीस, करो हल, फाइव इंटू कॉस साठ, कॉस साठ का मान सैंतीस यानी एक बटे दो का वर्ग प्लस चार इंटू सेक तीस दो बटे रूट तीन का वर्ग माइनस टेन पैंतालीस एक बटे सैंतीस एक बटे दो का वर्ग कॉस तीस रूट तीन बटे दो का वर्ग। अब तो हल कर लेंगे आप, कोई दिक्कत नहीं है, पाँच लिखेंगे, पाँच इंटू एक का वर्ग एक दो का वर्ग चार प्लस फिर देखो चार इंटू दो का वर्ग चार बटे रूट तीन का वर्ग तीन माइनस एक बटे इसको करेंगे एक बटे दो का वर्ग चार प्लस रूट तीन का वर्ग तीन और चार, ठीक है। फिर देखो हल कर दो, पाँच एकन पाँच बटे चार प्लस चार चौक सोलह बटे तीन और माइनस एक बटे चार का वर्ग चार, चार का वो लघुत्तम लेंगे चार तीनों एक चार, तो ये तो इससे कट जाएगा एक हो जाएगा, तो एक का भाग लगाएं वही संख्या आएगी, बस इसका लघुत्तम लेना है आपको, कितने का लेना है चार तीन, यानी इसका लघुत्तम लेंगे तो बताओ इसका कितना आ जाएगा लघुत्तम, इसके नीचे एक मानेंगे तो बारह, चार का भाग बारह में लगाओ चाहती बारह तीन बार तीन का पाँच सौ गुणा करेंगे पंद्रह प्लस तीन चौक बारह चार बार चार का सोलह से करो सोलह चौक चौंसठ माइनस बारह एक में लगाएं एक का भाग बारह में बारह बार बारह का एक सौ गुणा करेंगे तो बारह, इसको जोड़ घटा लो चौंसठ में से बारह घटा लो कितना बचेगा, या जोड़ लो
4, 5, 9 यानी 69, 10, 79 में से 12, 11, 2, 67 और बटे 12 हो गया। ठीक है, समझ में आ गया होगा। चलिए अब करते हैं दूसरे क्वेश्चन की बात। ऐसे ही मान रख के होने हैं सब। चलो देखो दूसरा क्वेश्चन। सही विकल्प चुनिए, अपने विकल्प का औचित्य दीजिए। आपको तो पूरा करना ही है हल, औचित्य तो चुनिए।